नमस्कार दोस्तों, मैं काजी आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जो कि विद्या बोल के जाना जाता है। सो, अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, एडुकेशन रिलेटेड और टेक्नोलॉजी गैजेट्स रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड घंटा बेल को दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो, आज हम लोग जानने वाले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, राइट? डिजिटल मार्केटिंग को जानने के आगे हम लोग पहले जान लेते हैं कि मार्केटिंग क्या है, ठीक है? मार्केटिंग जनरली जो थ्योरी है, पहले हम लोग थ्योरी में जाते हैं उसके बाद प्रैक्टिकल में जाते हैं, राइट? सो मार्केटिंग क्या है, राइट? आइडेंटिफाइंग दी वांट्स एंड डिमांड ऑफ कस्टमर्स, जो डिमांड्स एंड वांट्स है कस्टमर्स का, क्या डिमांड्स एंड वांट्स है उसको पहले आइडेंटिफाई करना, एंड देन कन्वर्टिंग दैट वांट्स एंड डिमांड्स टू फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज। उस वो जो डिमांड है हम लोग को फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज में जो कन्वर्ट होती है, एंड फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज को कन्वर्ट करने के बाद हम लोग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा कस्टमर के पास हम लोग जो प्रोडक्ट एंड सर्विस पहुंचाते हैं उसे हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। सो एक बार सम अप कर लेते हैं हम लोग। आइडेंटिफाइंग एंड डिस्कवरिंग द वांट्स एंड नीड्स ऑफ कस्टमर्स, द डिमांड्स ऑफ कस्टमर्स, देन कन्वर्टिंग दैट वांट्स एंड नीड्स टू फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देन दिस फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसको हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं, राइट? ये हो गया मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, राइट? अब डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट क्या है, राइट? सो मार्केटिंग समझ लिए, अब हम लोग जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मतलब हम लोग जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है हम लोगों का, वो हम लोग मार्केटिंग करेंगे थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, मतलब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो होगी, सपोज फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हो गया, जिस मोबाइल से आप देख रहे हो, राइट? उसके बाद लैपटॉप हो गया, जो भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से, उससे जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं इंटरनेट से, उसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते बोलते हैं, राइट? अगर छोटी सी सरल लैंग्वेज में अगर हम लोग सम अप करें डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सो मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज विद द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बस सिंपल सी वर्ड, सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल सी सेंटेंस में ये है डिजिटल मार्केटिंग, राइट? अब डिजिटल मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग कंसिडर करनी चाहिए, राइट? कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम लोगों को कंसिडर करनी चाहिए। सो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम रख देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च, इंटरनेट यूजर्स ऑफ एडल्ट इंक्रीज बाई 5%, मतलब जो प्यू रिसर्च कंपनी है उसने रिसर्च किया और जो इंटरनेट यूजर्स है एडल्ट का, वो 5% इंक्रीज हो गया, राइट? उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है वो दिन का दिन स्प्रेड होती जा रही है, सबके हाथ में अभी स्मार्टफोन है, राइट? सो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो पब्लिक है, आप अपने आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आप को एग्जांपल लीजिए, आप अभी ज़्यादा मोबाइल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या आप टीवी में टाइम स्पेंड करते हैं या न्यूज़पेपर में टाइम स्पेंड करते हैं, आपको खुद आंसर मिल जाएगी। सो जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में जो टाइम स्पेंड हो रही है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वहाँ पर एडवर्टाइज, जो मार्केटर है वहाँ पर एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्योंकि टीवी नहीं देख रहा, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा ज़्यादातर अभी। सो अगर मार्केटिंग करना है तो कहाँ करें, सो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर इम्पोर्टेंस आ जाती है, राइट? जो चार पॉइंट जो मैं सिंपल लैंग्वेज में रखना चाहता हूँ वो है कि मोर पीपल आर गेटिंग ऑनलाइन। आप लोग सभी पता है कि अभी सब इंटरनेट और स्मार्टफोन सभी के पास है, अभी स्प्रेड होते जा रही है, इंटरनेट जो डेटा है चीप होते जा रही है, सो पीपल आर गेटिंग मोर ऑनलाइन। नंबर टू जो आ रही है, पीपल आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, टाइम भी ज़्यादा स्पेंड कर रही ऑनलाइन। जो बिजनेस है जो वो अपने जो ऑफलाइन स्ट्रक्चर को है वो ऑनलाइन स्ट्रक्चर में ला रही है, बिजनेसेस आर गोइंग ऑनलाइन ऑल्सो। नंबर फोर पॉइंट जो निकल के आ रही है वो है बिजनेस स्पेंडिंग मोर ऑनलाइन, जो बजट है बिजनेस का वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रही है। तो ये था कुछ सिंपल लैंग्वेजेस, और भी काफ़ी सारे चीज़ है जो मैंने सोचा मैं अभी आपको कभी नेक्स्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर कीजिए ताकि पता चले कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। एंड कमेंट करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। खुदा।